अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे वीवो V19 के लिए एंड्रॉयड 11 की अपडेट रोल आउट हो गई है। हाँ, और मुझे भी यहाँ पे जो है वीवो V19 में एंड्रॉयड 11 की अपडेट जो है वो रिसीव हो गई, और साथ में जो है फन टच 10.5 की यहाँ पे अपडेट रिसीव हुई है। इस अपडेट के बाद जो है वीवो V19 जो है वो एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो जाएगा, और साथ में फन टच जो है 10.5 पे अपडेट हो जाएगा। तो इस अपडेट को करने से पहले भाई इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये अपडेट करके भी दिखाने वाला हूँ और बताने वालों के क्या इस अपडेट के बाद जो है वो आपके फोन में कोई इशू तो नहीं आ सकता। जी हाँ, आपको यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आ सकता, ये भी मैं इस वीडियो में सारी क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पे मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ और वीडियो की तरफ चलते हैं, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉयड 11 की अपडेट करके दिखाने वाला हूँ वीवो V19 में, और मुझे यहाँ पे जो है वो अपडेट रिसीव हो चुकी है वीवो V19 में एंड्रॉयड 11 की, और आपको भी जो है वो रिसीव हो चुकी होगी। और अगर नहीं रिसीव हुई तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जो है वो अपडेट इसके लिए रोल आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर देखते हैं कि ये देख सकते हैं आप सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये अपडेट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले मैं आपको इस अपडेट के बारे में बता दूँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको जो है अपडेट वर्जन लिखा हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पे जो है अपडेट का वर्जन लिखा हुआ और साथ में ये इसका साइज़ ही लिखा हुआ है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 3.82 GB। जी हाँ, तकरीबन 4 GB के लगभग इस अपडेट का जो है वो साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बड़ी अपडेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड 11 की अपडेट है। इसके बाद अपडेट के बाद जो है वो आपका जो है स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर अपडेट हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और साथ में जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि अपडेट में आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे होम स्क्रीन और डायनेमिक इफेक्ट्स जो है वो भी ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ एडिशन यहाँ पे इन चीज़ों की देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो है मैं इसको अब इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ, और देखते हैं कि यहाँ पे हमें को क्या चीज़ें चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इस बारे में भी परेशान होंगे कि शायद इस तरह ना हो कि यहाँ पे जो है हमें वो कोई गूगल डायलर और गूगल जो है मैनेजर और इस तरह की गूगल मैसेजिंग ऐप्स वगैरह तो देखने को नहीं मिल जाएंगी इस अपडेट के बाद। तो वो सारी चीज़ भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो वो इसके लिए जो है आप इसको देखें और देखें कि इस अपडेट में जो है वो क्या चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है कम्प्लीटली। और यहाँ पे अब हम जाते हैं और सेटिंग्स में देखते हैं कि हमारा जो है वो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आपको देखने को मिल रहा है।
और देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो कम्प्लीटली सेटिंग्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है सेटिंग्स की जो ऑप्शंस हैं ये तकरीबन तकरीबन तब्दील हो चुके हैं। सारे के सारे जो मतलब ऑप्शंस तो वही देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है इनकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कि ये पहले जो है लेआउट था वो ज़रा और देखने को आपको मिलता था। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम एंड्रॉयड वर्जन देखते हैं अपडेट होने के बाद कि हमें कौन सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है वो एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा वीवो V19 में। आपको यहाँ पे वीवो V19 जो है वो एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आप बाकी देख लें, वही आपको गूगल डायलर नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे आपको वही स्टॉक डायलर और स्टॉक मैसेजिंग ऐप्स देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो यूआई के अपडेट से हो सकता है, जो एंड्रॉयड के अपडेट है उसमें जो है वो ऐसा कुछ नहीं होने वो वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा आप अगर यहाँ पे देखें जो कि हमें वीवो रोम देखने को मिलता है, जो ओएस देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आपको 10.5 आप देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे पहले 10 था और अब 10.5 पे अपडेट हो चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि साथ में जो है आपका जो है वो यूआई भी अपडेट हो चुकी है, और यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड वर्जन भी वो जो है अपडेटेड देखने को मिल रहा है। बाकी थोड़ी सी यहाँ पे जो है एनिमेशंस और जो बाकी यहाँ पे जो है आपको थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पे एक न्यू एनिमेशन आया है, जो कि साइड से जो है आपका जो है वो सेटिंग्स ओपन हो रही है। पहले जो है वो स्ट्रेट आप ऊपर जो है वो लेआउट आता था। तो इस तरह छोटी मोटी चेंजिंग्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगी आप इस जो है अपडेट के साथ। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि जो है रूल आउट वीवो ने कर दी है वीवो के स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड 11 की अपडेट, और साथ में फ्रंट टच जो है 10.5 की अपडेट और 11 की नहीं की। शुक्र है, 11 बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको जो है वो 11 के साथ देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट टच ओएस 11 है। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओरिजिन ओएस की ही अपडेट देखने को मिल जाएगी। और इस अपडेट में जो कि आपको फीचर्स देखने को मिले हैं एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कैमरा में कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके जो है वो रीड आउट करके आप बता देता हूँ। ये जो हमने अब लेटेस्ट अपडेट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड देखने को मिलेंगी उनके बारे में लिखा हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि स्मार्ट मिररिंग जो है वो अपडेट हुई है वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज जो है वो रूल्स शूटिंग वीडियोस के निकल के आएंगे। तो इस तरह आप डायनेमिक इफेक्ट्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आइकन एनिमेशंस वगैरह और ऑप्टिमाइज जो है वो सारी एनिमेशंस वगैरह यहाँ पे आपको मज़ीद देखने को मिल जाएंगी, फिंगरप्रिंट वगैरह की। और यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी जो कुछ जो है वो फीचर्स जो है फंक्शंस जो है उनको एडिट यहाँ पे किया गया, और एंड्रॉयड जो है वो 11 हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस अपडेट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।